Yeah, I just wanna be the greatest. Everybody knows my name, shit. I'ma have this whole fucking game lit, spitting with the same wit, and I'm gonna be famous. Ain't nobody able to delay this. Coming up, I had a vision to make it. Never wanted to be nothing, always wanted to play shit. Sitting in class, always wondering why I love this lame shit. How the hell am I? हेलो फ्रेंड्स, आ गए हम नई वीडियो लेकर। और आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है कि हमें क्लोज रेंज की फाइट को हर बार 100 में से 100 कैसे जीतना है। सो अगर आप चाहते हो कि आपको क्लोज रेंज की फाइट बहुत ही कतई मजबूत करनी है, सो आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। और एंड तक मुझे उम्मीद रहेगी कि आप वीडियो को पूरा समझ लोगे, जान लोगे और प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस मेक सक्सेस। और ध्यान रखना दोस्तों यार, सपोर्ट करते रहो, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करोगे तभी मैं आपके लिए नए नए कंटेंट लेके आता रहूँगा। और आपका साथ मिलता रहे तो बस और क्या चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो हमारा पहला टिप्स रहेगा आपके लिए क्लोज रेंज की फाइट के लिए प्री फायर। सो आपको प्री फायर करना है। प्री फायर होती है बेसिकली आपको एनिमी को पहले फायर देते हुए मारना है। अगर आपको पता है कहीं पे एनिमी छुपा हुआ है, जैसे इस वॉल के पीछे एनिमी छुपा है, तो आपको प्री फायर देते हुए जाना है और बंदा जैसे निकलेगा आप पेल दोगे। सो प्री फायर में आपको पहले से ही गोली चलाते हुए जाना है, अगर आपको पता है बंदे की लोकेशन। सो प्री फायर के लिए मैं आपको ड्रिल बताने जा रहा हूँ कि आपको कौन सी ड्रिल्स फॉलो करनी है। इसके लिए प्री फायर के लिए आपको बेसिकली यहाँ पर आना है, इस ब्लॉक वॉल के पीछे, इसके पीछे आना है आपको। और आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर एनिमी है, इसके पीछे एनिमी है। सो आपको प्री फायर देते हुए जाना है। यही ड्रिल आपको लगभग 7 दिन का चैलेंज लेके देखो यार, प्री फायर आपकी खतरनाक लेवल की हो जाएगी। सो आपको करना क्या है, प्री फायर देते हुए जाना है। यही करना है आपको डेली आकर, इसको डेली रूटीन में करना है। जैसे मर्जी आप ट्राई कर सकते हो, लेट क्राउच डाउन भी कर सकते हो, क्राउच ऊपर भी कर सकते हो, जंप शॉट भी मार सकते हो। उसमें ही आप अलग अलग मिक्सचर डाल सकते हो अपने हिसाब से, जो आपको बेटर लगता है। सो सेकंड टिप्स आपके लिए रहेगा कि आपको हिप फायर करनी आनी चाहिए। अब कई लोगों को हिप फायर के बारे में पता नहीं होता, तो मैं बताऊं। हिप फायर होता है आपका कि बिना एडीएस के आपको एनिमी को मारना है, जैसे ये हिप फायर है। सो जैसे ये हिप फायर है। सो आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी है, तो आपको आना है यहाँ पर, मैं ड्रिल्स बता रहा हूँ आपको। इस लोकेशन पर आना है आपको, और आपको जो टारगेट दिख रहे हैं इनको गिराना है बिना आइडियाज के। डेली आओ, प्रैक्टिस करो, जितने जल्दी आप 30 गोलियों में गिरा सकते हो गिराओ। सेकंड टिप्स आपके लिए रहेगा, आपको ड्रिल्स को डेली फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि एक बार ड्रिल्स फॉलो कर ली और आप समझोगे मैं तो बन गया सुपरमैन, सलमान का फैन। नहीं, ऐसा नहीं होगा यार, आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी, टाइम देना होगा। सो थर्ड मैं आपको बताऊंगा, थर्ड रहेगी आपकी एडीएस के ऊपर। टिप रहेगा आपके लिए कि एडीएस आपको पता होना चाहिए कि आपको एडीएस कब ओपन करना है, कब ओपन नहीं करना है। अब कई बार ये होता है कि आप बहुत ही क्लोज चले जाते हो, आपके साथ होता भी होगा यार। अगर होता है तो कमेंट में बता देना कि आप जैसे इतनी रेंज में चले गए, आपने एडीएस खोला और बंदे ने आपको उछल कर या जंप शॉट लेकर या कुछ भी अलग मूवमेंट दिखाकर आपको पेल दिया, होता है ऐसा। सो आपको करना क्या है, आपको रेंज डिफाइन होनी चाहिए कि आपको एडीएस कब ओपन करना होता है। जैसे ये रेंज है आपकी 20-50 मीटर्स की रेंज में आपको एडीएस ओपन करना होता है, क्योंकि ज़्यादा ही क्लोज रेंज में अगर आप एडीएस ओपन करोगे तो आपकी जो मूवमेंट होती है वो स्लो हो जाती है और आप बस एक ही जगह पर एम कर सकते हो। अगर बंदा आगे से अगर उछल कर या अलग मूवमेंट दिखाता है आपको, तो आप नॉकआउट हो जाते हो। सो आपको इसके लिए करना क्या है, आपको यहाँ पर आना है, इसके पीछे। सो आपको यहाँ पर अपनी एडीएस की एम को बढ़ाना है। इसके आपको 2 बेनिफिट मिल जाएंगे इस ड्रिल को करने के, कि आपको कवर एंड शूट भी आ जाएगा और साथ में आप एडीएस में भी ड्रिल हो जाओगे। कवर में आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी हर चीज़ को बेटर बनाया जाएगा। सो थर्ड आपके लिए रहेगा। सो चलते हैं हम अपनी फोर्थ टिप के ऊपर। फोर्थ टिप आपका रहेगा मूवमेंट एंड रिफ्लेक्सेस। आपको अपनी मूवमेंट एंड रिफ्लेक्सेस बहुत फास्ट करने होंगे, तभी आप क्लोज रेंज की फाइट जीत पाओगे। और अगर आप बड़े टूर्नामेंट्स खेलना चाहते हो, कॉम्पिटिटिव में जाना चाहते हो, तो आपको अपने रिफ्लेक्सेस और मूवमेंट सबसे अलग करने होंगे। अगर आप वही करते रहोगे जो सामने वाला बंदा करेगा, तो आप में और उसमें फ़र्क क्या रहेगा दोस्त। सो आपको मूवमेंट रिफ्लेक्सेस फास्ट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर आना है। सो आपको ये बंदे दिख रहे हैं जो आगे मतलब मूवमेंट टारगेट दिख रहे हैं, आपको इसको गिराना है। आपको हर तरीके से गिराना आना चाहिए। जैसे ये मैंने गिराया, ये अलग अलग तरीके से आपको गिराने हैं। एक ऐसे गिरा दिया। सारे ट्रिक्स आपको इसमें पर यूज़ करने हैं कि आप कैसे गिरा सकते हो टारगेट को। जैसे ये 6x के साथ भी, गन चेंज, ड्रॉप शॉट भी, ये आपको हर तरीके से गिराना आना चाहिए। तो आपको हर चीज़ यूज़ करनी है इनके ऊपर। ये देखिए ड्रॉप शॉट भी आपका आ जाएगा, जंप शॉट भी आ जाएगा, सारे शॉट इसमें कवर करने हैं आपको। अगर आपके रिफ्लेक्सेस यहाँ पर ही फास्ट हो सकते हैं, क्योंकि तभी आप गेम प्ले में भी फास्ट दिखा सकते हो। मुझे उम्मीद रहेगी यार आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, ताकि आपका भाई आपके लिए वीडियो बनाता रहे और नए से नए टिप्स आपके लिए लेके आता रहे। सो क्लोज करते हैं चैप्टर को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।